हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और मुझे पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। सो गाइस, आज हम क्रिएट करने वाले हैं ये लुक, और इसे हम क्रिएट करेंगे बहुत ही बजट फ्रेंडली और बहुत ही लेस प्रोडक्ट के साथ। सो गाइस, अगर आपको मेरा ये लुक अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स गेट इन टू द वीडियो। I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement, and I'm reading it slow so I can. यहाँ मैं अपने फेस को मॉइस्चराइज करने के लिए यूज़ कर रही हूँ लैक्मे पीच मिल्क मॉइस्चराइज़र। जैसा कि हम सबको पता है, स्किन केयर इज़ फर्स्ट एंड आई हैव ऑलरेडी डन माय स्किन केयर। अब मैं इसे अच्छे से एब्जॉर्ब होने तक अपने फेस पे लगाऊंगी। नेक्स्ट मैंने लिया है ब्लू हेवन का प्राइमर, और इसे मैं अपने फेस पे जहाँ जहाँ मुझे पोर्स की प्रॉब्लम है वहाँ मैं इसे अप्लाई करूँगी और अपने फेस पे स्प्रेड करूँगी। मेरे डार्क सर्कल्स को कंसील करने के लिए यहाँ मैं यूज़ कर रही हूँ नायका का पीच कलर करेक्टर। इसे मैं अपने दोनों आईज़ पे इवनली अप्लाई करूँगी और अपने अपर लिप पे भी अप्लाई करूँगी। अगर आपके पास ये कलर करेक्टर नहीं है तो आप ऑरेंज लिप कलर या रेड कलर की लिपस्टिक भी अप्लाई करके अपने डार्क सर्कल्स को हाइड कर सकते हैं। यहाँ मैं यूज़ कर रही हूँ NYBA का कंसीलर। सभी प्रोडक्ट्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वेट ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से हम इसे स्प्रेड करेंगे, अच्छे से ब्लेंड करेंगे अपनी आईज पर। नेक्स्ट यहाँ मैंने लिया है कलर बार का फाउंडेशन। ये एक हाई कवरेज फाउंडेशन है और हमें मैट लुक देता है। इसे मैं डॉट डॉट करके अपने फेस पे अप्लाई करूँगी और एक स्पंज की हेल्प से ब्लेंड करूँगी। मेरे अंडर आई एरिया को थोड़ा हाईलाइट दिखाने के लिए यहाँ मैंने यूज़ किया है मेबलिन का एज रिवाइंड कंसीलर, जो कि मेरे स्किन कलर से 2 शेड लाइटर है। इसे मैं अपनी अंडर आई एरिया पे अप्लाई कर रही हूँ, जैसे कि आप देख रहे हो, और फिंगर की हेल्प से मैं इसे ब्लेंड कर रही हूँ। कंसीलर को सेट करने के लिए यहाँ मैं यूज़ कर रही हूँ मेबलिन फिट मी का लूज पाउडर। इसे मैं अपने अंडर आई एरिया पे अच्छे से अप्लाई करूँगी, जिससे कि कोई भी क्रीज लाइन ना दिखे, क्योंकि जब वो दिखती है और हम आई शेडो अप्लाई करते हैं तो वो बहुत ही ऑड लगती है। आज मैंने अपने पूरे फेस को लूज़ पाउडर से लॉक ना करते हुए, फाउंडेशन को लॉक ना करते हुए, मैंने सिर्फ अपने अंडर आई एरिया पर ही लूज़ पाउडर अप्लाई किया, क्योंकि आज मुझे चाहिए थोड़ा ड्यूई मेकअप लुक। नेक्स्ट मैंने यहाँ कंटूर करने के लिए यूज़ किया लैक्मे की एनरिच मैट लिपस्टिक। इसे आप क्रीम कंटूर भी कह सकते हैं। यूजुअली मैं यूज़ करती हूँ पाउडर कंटूर, क्योंकि आज हम कर रहे हैं बजट फ्रेंडली मेकअप, तो इसलिए मैंने आपको आज कंटूर लिपस्टिक से करके दिखाया है। जब भी आप अपने फेस पे कंटूर करें तो लिक्विड लिपस्टिक ना लें, क्योंकि वो जल्दी से ड्राई हो जाती है और अच्छे से ब्लेंड नहीं हो पाती है। यहाँ मैंने ब्लुट लिपस्टिक यूज़ करी है, जो कि अच्छे से ब्लेंड हो जाएगी। ब्लशर के लिए मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ कलर बार की लिपस्टिक। आप कोई भी लिपस्टिक यूज़ कर सकते हैं, और इसे मैं अपवर्ड मोशन में लगाऊंगी और ब्लेंड करूंगी। यहाँ मैंने यूज़ किया वेट एंड वाइल्ड का हाइलाइटर, और इसे मैं अपने हाई पॉइंट्स पे अप्लाई करूंगी विद द हेल्प ऑफ द ब्रश। आईब्रोज को शेप देने के लिए यहाँ मैं यूज़ कर रही हूँ स्विस ब्यूटी की आईब्रो पेंसिल, जो कि ब्राउन कलर में है।
आई शेडो के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ जैकलिन हिल पैलेट, और इससे मैंने लिया है ट्रांजिशन शेड के लिए बहुत ही लाइटर शेड। नेक्स्ट मैं दूसरी पैलेट भी यूज़ करूँगी यहाँ, जो कि है ब्यूटी ग्लेस की। ब्यूटी ग्लेस की पैलेट से मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ स्काई ब्लू आई शेडो, और इसे मैं अपने आउटर कॉर्नर्स पे अप्लाई करूँगी। स्काई ब्लू और टील ब्लू, जो आप कहना चाहे कह सकते हैं इस कलर को, वैसे मैं तो इसे स्काई ब्लू कलर ही कहती हूँ। इसे मैं अपने आउटर कॉर्नर पे अप्लाई करूँगी। सेम पैलेट से ही मैंने लिया है स्काई ब्लू कलर से वन शेड डार्कर कलर, और इसे भी मैं अपने आउटर कॉर्नर पे ही प्लेस कर रही हूँ, जिससे कि हमें हल्का सा डार्कर कलर मिले। अंडर आई एरिया पे मैंने लूज पाउडर अप्लाई किया हुआ है कि जिससे कि जो भी हमारा फॉल आउट हो वो हमारे फेस पे डायरेक्ट ना गिरे, और उस पर गिरेगा तो मैं बाद में इसे रिमूव कर दूँगी। मेरी क्रीज लाइन को डिफाइन करने के लिए यहाँ मैं यूज़ कर रही हूँ ब्राउन कलर का आई शेडो, और इसे मैं अपनी क्रीज पर अप्लाई करूँगी। सेम स्काई ब्लू आई शेडो मैं अपनी लोअर लैश लाइन पे अप्लाई कर रही हूँ, और वाटर लाइन पे मैं अप्लाई करूँगी फेसेस कैनेडा का काजल। नेक्स्ट मैंने लिया है जैकलिन हिल का पैलेट, और उसमें से मैं ले रही हूँ ब्लैक कलर का आई शेडो, और उसे मैं ब्लैक आई शेडो को मैं एज ए लाइनर की तरह अपने आईज पे लगा रही हूँ, और इसे स्मज आउट करूँगी प्रॉपरली। उसके बाद यहाँ मैंने लिया है स्विस ब्यूटी का लूज फॉइल पिगमेंट इन द शेड ऑफ सिल्वर, इसे मैं ब्रश की हेल्प से अपनी अपर लिड पे अप्लाई करूँगी अपने इनर कॉर्नर्स पर। ये बहुत ही अच्छी लूज फॉइल है, इसका पिगमेंटेशन बहुत अच्छा है, इसे आप पार्टी और वेडिंग मेकअप्स के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। मेरी आईलैशेस को वॉल्यूम देने के लिए यहाँ मैं यूज़ कर रही हूँ मेबेलिन का हाइपर कर्ल मस्कारा, ये वाटरप्रूफ मस्कारा है। मेरे पूरे फेस मेकअप को सेट करने के लिए यहाँ मैं यूज़ कर रही हूँ फेसेस कैनेडा का सेटिंग स्प्रे। मेरे लिप्स की शेप को डिफाइन करने के लिए यहाँ मैं यूज़ कर रही हूँ इन कलर के लिप लाइनर। लिपस्टिक के लिए मैंने यूज़ की है वेट एंड वाइल्ड की लिपस्टिक। एक्चुअली ये लिपस्टिक मुझे लगा के कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं लग रही, तो उसके बाद मैंने ये चेंज कर दी थी, तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो गाइज, हियर इज़ माई कम्प्लीट लुक। तो आपको ये मेरा लुक कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।